अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और प्यारे भाइयों, आज हमारा वीडियो का टॉपिक है एक शराबी जानी की तौबा, तारिक जमील बयान। दोस्तों, इस वीडियो को आप हमारे साथ आपके तक जरूर देखें, और आगे देखने से पहले आप चैनल पे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको बेहतरीन वीडियो और अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो देखते हैं, रिएक्शन और रिव्यू देते हैं। सो लेट्स वॉच इट। इसराइल में एक नौजवान अपनी बदमाशी और अय्याशी की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम हो गया, तो लोगों ने उससे घर से और शहर से निकाल दिया। शहर से ही निकाल दिया। शहर से बाहर निकला, कुछ अरसे बाद खाने पीने के असबाब खत्म हुए तो मौत ने आ घेरा। अब उसने बेकरार होकर उधर सब बाइकॉट कर चुके थे, कोई उसके करीब नहीं जाएगा। तो जब मौत ने पकड़ा तो इधर देखा कोई है मददगार नहीं, इधर देखा कोई है कोई नहीं, तो आगे देखा पीछे देखा दाएं देखा बाएं देखा कोई नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं। आसमान को दे है वहाँ तो है मदद के लिए। और कहने लगा या अल्लाह तदुर्रहु दुनूब वला तनकुसुहु अल-मग़फिरा, ऐ वो ज़ात इसको माफ करने से कोई कमी नहीं आती। भाई साहब, और गुनाह करने से उसकी जात में कोई 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 किसी किस्म की कमी नहीं आती। देख, मुझे सब ने छोड़ दिया है, तेरे पास आने का वक्त है, मुझे माफ कर। आए है, क्या बात। मैंने तेरे बंदों से सुना है तू बड़ा गफूर रहीम, जान निकल गई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक दोस्त वो जंगल में मर गया है, जब उसके जनाजे का इंतजाम करो और ऐलान कर दो जो उसके जनाजे में शरीक होगा उसको भी माफ कर दो। जिंदगी में सिवाय गुनाहों के है कुछ नहीं, और आखिर वक्त की मिन्नत और खुशामद पे क्या फैसले हो रहे हैं। लोगों ने दौड़ लगाई, आगे देखा तो वही नौजवान शराबी जानी जुआरी पेड़ा खमूसा, ये तो वो है जिस वक्त ने शहर से निकाल दिया था। तो ये मूसा की सलामी सब जाते हैं, क्या हो रहा है, हम इसके जनाजे में आएंगे तो बख्शे जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह तेरे बंदे कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, तू कह रहा है मेरा दोस्त है तो मैं क्या करूं। दोस्त कैसे हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये सच कह रहे हैं और मैं भी ठीक कह रहा हूँ, ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई इसने दाएं देखा इसे कोई नजर न आया, इसने बाएं देखा इसे कोई नजर न आया, इसने फिर मेरी तरफ देखा तो मूसा मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि जिसको सब छोड़ जाए में मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार पे लबैक कहूं। सुनते हैं अल्लाह भाई, ऐसी बात नहीं है। मूसा इसने तो सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर आज मुझसे पूरी दुनिया के इंसानों की बख्शिश मांगता तो मैं इसकी तुफैल सबको माफ कर देता। अल्लाह माफ करने वाले रब है। मेरे अजीजों, नौजवानों, मेरे भाइयों, झुको अल्लाह, हम अल्लाह को मनाने वाली जिंदगी की आज इब्तिदा कर नियत करते हो। बिल्कुल। तो आओ यहाँ बैठे बैठे हम तौबा करें कि या अल्लाह जो हुआ बस हो गया, आइंदा नहीं, नहीं माफ कर दे। तो तौबा की नियत करते हो, टूट जाए तो परेशानी की बात है, फिर तौबा कर लेंगे, फिर टूट गई फिर कर लेंगे, फिर टूट फिर कैसा तौबा। घर घर जब तक मौत नहीं आती हर दफा की तौबा ऐसे ही कबूल है जैसे पहले कबूल है। नियत करते हो सारे भाई, कहो मेरे साथ या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। ये तीन लफ्ज आपसे मैंने बुलवाए हैं, अगर दिल से बोल ले हो तो अल्लाह की कसम मुबारक हो, आप सब ऐसे बैठो जैसे अभी माँ के पेट से निकले। क्या बात, सब माँ, सब 15 से 85 साल की उम्र वाले नजर आ रहे हैं, सब माँ। अब बाहर जाकर कुछ नया पेपर हल करोगे, कुछ नया लिखोगे तो लिखोगे, आज तक इस वक्त इस लम्हे
2:53 पर सारे माफ हो गए, सारे माफ हो गए। दोस्तों था हमारा रिएक्शन इस वीडियो में, और दोस्तों ये बयान बहुत मोटिवेशनल था। दोस्तों इसमें हमने ये सीखा कि इंसान शराबी हो या कोई भी, उससे कोई भी गलत काम हो, अगर वो सच्चे दिल से गुनाह की तौबा मांग लेगा और वो ये वादा करेगा कि अल्लाह पाक ये गुनाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दिए, तो अल्लाह पाक उसको माफ कर देंगे। बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने एक वाकया बताया यहाँ पर, तौबा का वाकया है। आप अपनी जिंदगी पे तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह जरूर माफ करने वाले रब है। और बार बार यही है कुरान शरीफ में भी कि हम माफ करने वाले रहमान है, रहीम है। अल्लाह खुद बोलने के भाई साहब मैं माफी मांगो तो सही पहले, फिर आप तो मांगने वाले बंदे मुझे बहुत पसंद। अच्छा, मूसा अलैहि सलाम भी कंफ्यूजन में आ जाते होंगे, ये हो क्या रहा है। मतलब जिस तरीके से चीजें दमी चेंज होती है भाई, लोग बोल रहे हैं कि ये तो गंदा इंसान है, और फिर अल्लाह के तरफ से आया कि ये मेरा दोस्त है। वो भाई साहब एकदम ही कंफ्यूजन वाला मामला, लेकिन अल्लाह ताला फौरन बता भी देते थे कि भाई ऐसा ऐसा वाकया, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो लोगों को फिर समझ में आता था, उनका ईमान और मजबूत और पक्का हो जाता था। ये कितनी सालों, मतलब सालों बातें, पुरानी बातें, लेकिन आज के डेट में भी सुनो तो दिल जो है वो एकदम हिल जाता है। तो भाई यही तो करिश्मा है अल्लाह का, और क्या। तो भाई आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को भी तमाम भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। और दोस्तों चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।